अपनी दुल्हन की खैर मना, बीनू को इससे इश्क हो गया है। इश्क कोई भी करे, दुल्हन तो मेरी ही रहेगी। पानी कहाँ से आया? यरमा ने कहा जिस पानी से बर्तन धो उसको फेंको नहीं, हम उससे फूल खिलाएंगे। जोर से मार। हाँ, ताकत लगा, जोर से। काकू से मेरी शादी की वजह भी बाबा की जिद थी कि लोहारों की बेटी है, लोहारों में ही जाएगी। औरत माँ बनने लगे तो इतनी सुंदर हो जाती है। मुझे पता है तू मुझसे क्या सवाल करना चाहती है। क्या सवाल? यही, मेरे बच्चे क्यों नहीं है? मेरे बाबा ने भी मेरी इसी उम्र में शादी कर दी थी। अकल से काम ले ज्वाला, जो तुझ पर गुजरी वो अपनी बेटी को क्यों देना चाहती है? कर सकेगी इंतजार? इंतजार करना तो मेरा काम है, अपने तंदूर पर ना सही यहाँ सही। अच्छा अच्छा, पानी भर कर लाती है ना तो मटके को मुंह तक ना भरा कर, पानी गिरता है, एक एक बूंद सोना है, हिफाजत किया कर। मैं क्या करूँ अम्मा, पानी गिरे तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। बीनू की भी शादी करना है जल्दी। लड़का देख लिया तूने? हाँ, मोमिनाबाद के लोहारों का लड़का है, उन्होंने हाथ मांगा था। तूने हाँ कर दी? कभी तो सिर्फ फूलों की बातें किया करती थी, तब मेरे अंदर फूल खिलते थे, अब कांटे उगते। तेरी ये बंजर जमीन मुझे भी खुश करती जा रही है बंजू। मेरा ख्वाब तो सिर्फ एक बच्चा है, वो भी बुरा नहीं होता। तो हो जाएगा पूरा। याद है मैंने कहा था कि मैं तेरे लिए कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, तो तू समझ ले कि मैंने रास्ता निकाल लिया। सच खाला तेजी? हाँ। तू मुझे उन लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती है? भट्टी की राख में गलाने के लिए मैं तुझ जैसे नहीं बन सकती। जितना जी चाहे रोक ले, मैं सोनू से मिलूंगी। सब्जाजारों में जब औरत के बच्चे ना हो तो वो बंजर कहलाती है, जैसे खुश्क पहाड़ी में उगती हुई कांटेदार झाड़। पंजू ने अगर देख लिया तो उसके दिल में शक पड़ जाएगा। तू मेरे गांव की है, तुझसे मिलने आया हूँ। सब्जाजारों में नदी किनारे रहने वालों को क्या मालूम थर में प्यास क्या होती है, पर छप्पड़ के नीचे से गुजरते हुए कदमों की आवाज मुझे ऐसे लगती है जैसे किसी मर्द के कदमों की आवाज हो। अब तक कहाँ थी? रास्ते में ज्वाल ज्वाला। मंजू, पूछ इससे कौन सा सबक सीख कर आई है उस लोहारन से। क्या बक रही है तू? तुझे मैं भट्टी में पिघला कर टके का सिक्का बना दूंगा। पूरे चांद से पहले ही दरमानी गांव आ गई है, उसे चल के मिल लेते हैं। सच खाना तेजी? काकू, ज्वाला, क्या है, क्यों चिल्लाती भी आ रही है तू? मैंने कुछ देर पहले बीनू को टीलों के पार जाते देखा है, क्या बकवास कर रही है तू? तू अपनी जुबान बंद रख। तू मुझे उन लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती है, भट्टी की राख में गलाने के लिए मैं तो जैसे नहीं बन सकती। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए। यरमा, तुम्हें अपने शोहर की मोहब्बत तो हासिल है, पूरे चांद की रात को सूरज ढलते ही आ जाना, देर मत करना। अच्छा, साला तेजी तुम बताओ मैं क्या करूं? चार लोग खड़े बातें कर रहे हो, मैं जाता हूं तो चुप हो जाते, क्यों? मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं देख सकते सच क्या है? मैं अपने आप को ढूंढती फिर रही हूं, ये घर मुझे काट खाने को आता है।
वो मेरी ही आवाज थी, वो ठीक थी और मैं गलत। उसने मुझे पूरा कर दिया। बात है गंजन, भट्टी ठंडी है और तेरा चेहरा सुर्ख है। हाँ, वो मैं अपनी दरांतियां तेज कराने लाया था। कब तक हो जाएंगे? कल सुबह से पहले तो नहीं हो सकेंगे। तो ठीक है, मैं बंसी के डेरे पर रह जाता हूँ, अब सुबह लेकर ही जाऊंगा। बंसी के डेरे पर, सुन लिया तूने? सब जाते हैं वहां, मेरे जाने से तुझे आग लगती है। काकू, कुछ लोग वहां अपना दिल बहलाने जाते हैं और कुछ वहां रोटी खाकर सो रहते हैं। चल ज्वाला, उठ, तैयार हो जा, दुआ के लिए नहीं चलना है? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? दुआ मांग लेना, कुछ लोगों से बातचीत कर लेना, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाने के लिए मैं वहां क्यों जाऊं? चल उठ, चल मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा, ये साथ ले चल। नहीं, तू माँ के पास बैठ। बाहर गया है, टांगे तोड़ दूंगा।
दरमानी जड़ी बूटियों से दवा बना रही है, फिर उस पर दम करके तुम्हें पिलाएगी। कैसी होती है? अच्छी होती है, पियोगी तो पता चल जाएगा। यर्मा इधर आ। ले, एक सांस में पी जा। अपने बच्चे का सोच, अपने शौहर को जहन में ला। हम दुआ करेंगे, पी जा, एक सांस में पी जा। क्या कर रही है? अच्छा, तो इसे भी जरूरत पड़ ही गई। औरत से खालीपन बर्दाश्त नहीं होता, घर बच्चों से भरता है, गंदम और कपड़े से नहीं। इसमें यर्मा का क्या कसूर है? जब प्यास हो तो एक बूंद भी बहुत होती है। बंजर खुश्क जमीन में एक बूंद सैराब के लिए काफी नहीं है। बंजर खुश्क जमीन? मुझे ताने देने वाली तू कौन होती है? शादी के बाद मैं इस ताने से बची रही, आज मुंह पर दे डाला, पहली बार है ये। तुम्हें बुरा लगा, मगर इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? सब कहते हैं कि तुम्हारा शौहर। चुप करो। दीनू आके रोटी खा ले। दीनू, तेरे पास से कच्चे लोहे की बू आ रही है। हाँ, मैं बाबा के पास भट्टी पर काम कर रहा था।
जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तो मुझे ये लोहे की बू बहुत बुरी लगी थी। हालांकि मेरा बाप भी एक लोहार था, मगर फिर मुझे आदत पड़ गई। मगर आज फिर लोहे की कच्ची बू मेरे दिल पर लगी है। तुम यहां थे? हाँ। छुपकर ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूं? सारी बातें सुन ली? हाँ। चले जाओ यहां से, मैं यहीं बैठी हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोलो। और शिकायत करना चाहता हूं। किसके बारे में? तुमसे बात करते हो आज मेरी आवाज मेरे गले में फंस रही है और मेरी हड्डियां मेरे जिस्म में कड़कड़ाती हैं। क्या आवाज सुनी है कभी? तुम हमेशा जिंदगी के अंधेरे क्यों देखती हो? हवा से बातें क्यों चुराती हो? क्या जिंदगी के अंधेरे देखती हो? हवा से बातें चुराती हो? ये कह रहे हो ना तुम? देखो यरमा, जो हुआ नहीं, जो मेरे और तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, उस पर क्या लड़ना? बोलो, मैं सुन रही हूं। यरमा, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मजबूरन मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहना पड़ रही है। मुझे सिर्फ उस बात पर यकीन है जो मेरे हाथ में हो, जिसे मेरी आंखें देख सके। हाँ। मैं यही सुनना चाहती थी, वो बातें जो तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारे होंठों से निकलने वाले सच को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। और जिस बात को सुनने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया, मैंने सुन ली। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती हूँ। राख में गलाने के लिए मैं तो जैसे नहीं बनूं। वो मेरी ही आवाज थी, वो ठीक थी और मैं गलत। उसने मुझे पूरा कर दिया। मेरे घर का दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ तेरे लिए। यरमा, मेरी बात समझो, अपने आप को समझाओ। देखो कितनी औरतें जो तुम्हारी जैसी जिंदगी का ख्वाब देखती हैं। बच्चों के बगैर जिंदगी कितनी अपनी लगती है। सिर्फ मैं और तुम, मैं जानता हूं अगर बच्चे नहीं है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसे क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ तुमको चाहता हूं, तुमको। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें घर चाहिए, घर का आराम, तुम्हारे काम करने के लिए। मैं सिर्फ मैं यही चाहते हो ना तुम? हाँ, हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है। फिर बाकी सब उनका क्या होगा? तुम्हारे
बच्चे का क्या होगा? कान खोल कर सुन लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बच्चे की ख्वाहिश जिसे तुम पाल पोस रही हो, उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत। मैं इस ख्वाहिश के हाथों किस किस तरह से मिल गई, तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। तो मैं अपनी उम्मीद के हर खिलौने को तोड़ डालूं? हाँ। पंजर, खाली, खुश हो जाऊं। इसी खुशकरेत पर मैं और तुम। मेरे चेहरे पे क्या देख रहे हो? चांदनी में तुम्हारी रंगत, तुम्हारा हुस्न देख रहा हूं। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। यर्मा, मेरे पास आओ, यहां। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बच्चे को मार डाला, इन हाथों से मैंने अपने बच्चे को मार डाला।